Assalamualaikum. This is Hira Suhail and this is Hamza Ilahi and today we'll be talking about are video games worth for this generation or not. तो हमसा क्या आपके ख्याल में वीडियो गेम जो है वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? जी हीरा, गेमिंग बहुत बेनिफिशियल है हमारे यूथ के लिए जो गेमिंग करते हैं. सबसे पहले तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में हेल्प करती है. जैसे मैंने आपको बताया जो गेम हमारी अनचार्टेड 4 है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे बंदा फंस जाता है. वो पजल्स के अंदर होते हैं जहाँ पे वो निकलने की कोशिश करता है. तो जब ये थ्रू आउट खेल रहा होता है उससे उसका ब्रेन काफ़ी शार्प होता है और वो अपना ब्रेन यूज़ करता है इसमें. आपके ख्याल में पाकिस्तानी जो गेमर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वीडियो गेम्स खेलते हुए? जी, गेमर्स को काफ़ी इश्यूज़ फेस होते हैं पाकिस्तान में. सबसे पहले तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है. हमारे जो गेमर्स हैं वो ऑनलाइन कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अपने मुल्क के सर्वर्स नहीं हैं. जब तक पाकिस्तान का अपना सर्वर नहीं होगा तो हमारी पिंग हाई आती है और जिसकी वजह से हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनके अंदर गेम्स डिफरेंट गेम्स आती हैं, पबजी, फ्री फायर और फोर्टनाइट. और सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको ये बताऊँगा कि गेम्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं. जो PS4 PS5 की गेम्स हैं ब्लू रे डिस्क्स होती हैं और ये जब से डॉलर अप्रिशिएट हुआ है ये गेम्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई. जब भी न्यू गेम रिलीज़ होती है तकरीबन 14,000 to 15,000 रुपीज़ की होती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल एक नॉर्मल बच्चा अपनी पॉकेट मनी से इसको खरीद सकती है. तो हमसे आपके ख्याल में ये जो वीडियो गेम्स हैं क्या वो एडिक्टिव हैं जनरेशन के लिए? जी हाँ, ये वीडियो गेम्स काफ़ी एडिक्टिव होती हैं स्पेशली गेमर के लिए जिनको खेलना ये गेम्स बहुत पसंद है. अगर मैं अपनी बात करूँ बचपन से लेके जब मैं 4th क्लास में था तब से मैं जाके वीडियो गेम्स खरीदता था. 50 रुपये की डिस्क मिलती थी उस टाइम पे और मैं फिर भी जाके ख़रीदता था और ये गेम्स खेलता था. लेकिन आज जैसे मैंने आपको इसके नुकसान बताए हैं, ये आजकल मतलब बहुत मुश्किल हो गई गेम खरीदना. बाकी गेमिंग बहुत एडिक्टिव होती है. जब आप खेलने लग जाते हैं उसमें डिफरेंट मिशन आते रहते हैं और डिफरेंट उसमें सिनेरियोज और डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं जिसमें आपका दिल करता है मैं खेलता रहूँ. जैसे जो कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप गेम्स है, बंदा मर जाता है लेकिन उसका फिर दिल करता है यार मैं दोबारा एक और ट्राई लेता हूँ, ये मैंने मिशन आज कंप्लीट करना है, मिशन कंप्लीट करूँगा, सुबह उठ के नहीं खेलूँगा. मतलब आपको मूड होता है कि मैं इस गेम को आज ख़त्म करके जाऊँ. तो एडिक्टिव बहुत ज़्यादा होती है. 5 to 6 hours बंदा गेम खेलता रहता है. उसके बाद इसकी के ऊपर गेमिंग जोन्स बन चुके हैं जो बंदे बुक करवा के सारा दिन इनके ऊपर सारा दिन बुक कराते हैं और इनको खेलते रहते हैं और उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है और बच्चे भी खेलते रहते हैं. थैंक यू हमजा फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू हीरा फॉर इनवाइटिंग.